asalaamu alaikum students how are you all hope you all are fine and safe students now what is this students ma'am <coughs> uh, and uh, this is UX sst lecture and uh, book page number 61 okay look at the uh, page look at here what is this students look at there in down map of pakistan okay what is this this is a uh, मैप ऑफ पाकिस्तान एट हीर इन्ना लाइट येलो कलर लुकेटेयर दिस वट इज़ दिस क्या राइट किया हुआ है यहाँ पे बलोचिस्तान यहाँ पे क्या राइट किया हुआ है बलोचिस्तान राइट किया ओके okay. और यहाँ पे बलोचिस्तान के बाकी शहरों के नाम बताए गए हैं इन डाउन देखें यहाँ पर डार्क येलो कलर में यहाँ पे क्या रहा है आपको ये सिंध सिंध लिखा हुआ है ठीक है और सिंध के इलाकों के नाम है यहाँ पर देखें ओके okay. <coughs> ऊपर चलते हैं ना ग्रीन कलर देखो ग्रीन कलर में क्या शोर है आपको इन ग्रीन कलर आपको शोर है पंजाब वाओ इट्स पंजाब ओके ओके और यहाँ पर देखें ये रेड कलर में है आपके पास कुछ सब कुछ चीज़ रेड कलर में क्या लिखा है आपको कुछ पता चल रहे? किसी को पता है क्या लिखा है रेड कलर में चेक करें ध्यान से देखें क्या लिखा है क्या लिखा है ये लिखा है खैबर पख्तूनख्वा खवा वाओ ना रेड कलर क्या राइट है खैबर पख्तूनख्वा राइट है वेरी गुड और यहाँ पर ये देखिए ये ब्लू कलर में है कुछ चीज़ ये ब्लू कलर में हमारे पास कश्मीर राइट है और आपको पता है हाउ मेनी प्रोवेंसेज ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान के कितने प्रोविंस हैं पाकिस्तान के पहले तो लाइक हमारे पास जो एक हिसाब से ये नक्शा है यहाँ पर देखिए आपको फाइव फोर ही दिखाए गए होंगे लेकिन आपको आइडिया होगा कि अभी हमने थोड़ा सा हो गया बुक में भी अपडेट नहीं हुई है लेकिन हमारे पास जो आ गया है उसके हिसाब से फाइव प्रोविंस हो गए हैं कौन कौन से हैं प्रोवेंसेज़ पंजाब सिंध बलूचिस्तान खैबर पख्तन और यहाँ पे देखें आपके पास यहाँ पे लिखा गया है थोड़ा सा आगे करके आ, कौन सा है फिफ्थ प्रोविंस आपका आपको पता है कुछ किलकित बल्तिस्तान पता है ना आपको यहाँ पे है वो वैली यहाँ पे ठीक है और उसको अलग करके एक अलग से प्रोविंस बना दिया गया है उसका नाम है किलकित बल्तिस्तान ओके अब यहाँ पर हो गया हमारे पास फाइव प्रोविंसेस ओके अब हमने यहाँ पे मैप देख रहे हैं ना पाकिस्तान का तो सबसे पहले हमने मैप देखा तो उसके अकॉर्डिंग हमें यह भी पता होना चाहिए कि पाकिस्तान कब बना ठीक है पाकिस्तान गॉट इंडिपेंडेंस ऑन फोटीन अगस्त नाइनटीन फोटी सेवन एंड यू डू यू नो द नेम ऑफ ऑफ ऑफिशियल नेम ऑफ पाकिस्तान डू यू नो नो ओके द ऑफिशियल नेम ऑफ पाकिस्तान इज़ इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान दिस इज द ऑफिशियल नेम ऑफ पाकिस्तान लाइक शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं पाकिस्तान ठीक है लेकिन फुल uh, नेम अगर कहा जाए तो ऑफिशियल नेम है जो वो है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान तो आपने याद रखना है वट इज़ द ऑफिशियल नेम ऑफ पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान ठीक है एंड पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ था पाकिस्तान गॉट इंडिपेंडेंस ऑन फोटीन अगस्त नाइन्टीन फोटी सेवन एंड नाउ हाउ हा मेनी प्रोवेंसीज ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान हैज़ फाइव प्रोवेंसीज पंजाब सिंध खैबर पख्तून ख्वाब बलोचिस्तान एंड किलकित बल्दिस्तान ओके एंड यू नो क्या पाकिस्तान के सारे प्रोवेंसेज सेम साइज़ के हैं डो यू नो नो लोकेट हीर आपको यहाँ पे मैप से पता चला लोकेट हीर दिस इज़ द लाइट येलो कलर ये, ये देखें यहाँ से लाइट येलो कलर में ये जो सारा पार्ट है यहाँ तक आपके पास है ना? ये देखें यहाँ से सारा ऐसे ये क्या है आपके पास ये सारा बलूचिस्तान का एरिया है ठीक है और देखिए बलूचिस्तान देखिए सबसे बड़ा है देखिए पंजाब भी इतना बड़ा नहीं है इट मीन्स अगर देखा जाए तो जो ज़मीनी हिसाब से है ना रकबे के हिसाब से तो सबसे जो बिगेस्ट है साइज है वो किस प्रोविंस का है बलोचिस्तान का है ठीक है बलोचिस्तान का साइज़ जो है वो सबसे बड़ा है ओके और उसके बाद यहाँ पर देखिए कौन सा होगा ठीक है फिर पन और यहाँ पे देखिए खैबर पख्तनख्वा भी बड़ा नहीं है क्योंकि इसके साथ तो अभी एक न्यू सुबह भी बन गया है और सिंध भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है ठीक तो है यहाँ पर इसके बाद तो पंजाब की बरी आएगी और सेकेंड नंबर पर यहाँ पर पंजाब या देन फिर सिंध एंड देन लास्ट पर है खैबर पख्तन ख्वा देन गिल गिल ओके लुकेट ही आपको बताएँ के रकबे के हिसाब से तो सबसे बड़ा ज़मीनी हिसाब से सबसे बड़ा बलूचिस्तान हो गया लेकिन आपको पता है आबादी के हिसाब से मतलब मोस्ट पॉपुलेटेड जो प्रोविंस है वो कौन सा है वो है पंजाब आपको यहाँ से दिखने में भी नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे शहरों की तादाद ज़्यादा है और मोस्टली हमारे पंजाब में क्योंकि हम भी पंजाब में रहते हैं ना तो यहाँ पर जो तादाद है वो भी ज़्यादा है आद, यहाँ पर जो लोग हैं ना वो शहरों के अंदर रहते हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है ठीक है तो मोस्ट पॉपुलेटेड जो प्रोवेंस है वो हमारे पास है पंजाब ओके बेटा यहाँ पे है बलूचिस्तान साइज के हिसाब से और आबादी के पॉपुलेशन के हिसाब से है पंजाब ओके ये हो गया आपको समझ आई आपको कि ये हमारी थी आ, बुक पेज नंबर सिक्सटी वन की ये देखिए बुक रीडिंग ओके यहाँ पर हमने मैप ऑफ पाकिस्तान देखा हमने देखा कि पाकिस्तान कब बना उसका ऑफिशियल नेम क्या है हाउ मेनी प्रोवेंसीज एंड द साइज़ ऑफ द प्रोवेंसीज ओके ये हमने देखा अब आपने ये अच्छे से देखना है आपकी बुक पे इसके अकॉर्डिंग जो है वो रीडिंग भी मौजूद है आप उसको भी देख लीजिएगा ओके okay, बेटा अब आते हैं अपनी वर्कबुक की तरफ ओके okay? यहाँ पर ये आप बुक वर्क बुक देखेंगे एट कैठे जी तो स्टूडेंट्स अब हम आते हैं अपनी वर्कबुक की तरफ लुक एट हेयर यूनिट नंबर नाइन आवर कंट्री यूनिट नंबर नाइन आवर कंट्री पाकिस्तान लुक एट हेयर ओके नाउ द डाउन पेज नंबर सेवेंटी वन ओके पेज नंबर सेवेंटी वन है क्वेश्चन चेक करते हैं अपना लुक एट हेयर ऑन द मैप ऑफ पाकिस्तान लेबल द फाइव प्रोवेंसेज एंड कलर uh, ओके okay? यहाँ पर उन्होंने लिखे ऊपर फाइव राइट कर दिया है बट नीचे उन्होंने आपको फाइव प्रोवेंसेज के हिसाब से ही दे दिया और फोर कलर्स उन्होंने आपको फोर प्रोवेंसेस के अकॉर्डिंग दिए ठीक है बट आपने देखना है यहाँ पर फोर फाइव प्रोवेंसेज उन्होंने जो आपको कलर्स दिए हैं तो आपने उसी के अकॉर्डिंग करने ज़रूरी नहीं है ये कलर्स बेटा आपकी जो बुक है उसके अकॉर्डिंग वो ये डिफरेंट राइट किए हुए इन लक वाइट ही इन द ब्लू उन्होंने आपको कहा है ब्लू आपने किस में करना है बलोचिस्तान ओके रेड पंजाब एंड द येलो इन सिंध ओके येलो कहाँ करना है सिंध में करना है और लास्ट है ग्रीन इन खैबर पखतून का दिस इज़ लाइक एक्टिविटी है एंड एंजॉएबल वर्क ओके आपने पेज नंबर सेवेंटी वन पर नाइसली इन में कलर्स करनी है और इनमें अपना इनमें प्रोवेंसिस का नीम भी नाइसली एड करना है ओके बेटा यू हैव टू डन नाइसली ओके okay, ये आपका बहुत नाइसा वर्क है आपने अच्छे से करना है रुकेट ठेयर यहाँ पे बेटा कलर्स जो हैं वो डिफरेंट हैं ओके और इसलिए आपने यहाँ पर जो कलर्स करने हैं वो डिफरेंट दिए गए हैं ताकि आपको खुद से पता चले कि कौन सा एरिया रुकैठेयर यहाँ पर भी ये देखिए सबसे बिग जो था वो बलोचिस्तान था यहाँ पर एरिया के हिसाब से देखा जाए तो ये बलोचिस्तान होगा ठीक है यहाँ पर ये यह देखिए सेकेंड नंबर पर हमारा पंजाब था तो ये पंजाब का एरिया होएगा ठीक है थर्ड पर हमारा कौन था कौन सा एरिया था सिंध था तो यहाँ पर सिंध होगा ओके okay, और यहाँ पे कौन सा हो गया होगा खैबर पखतून का होगा ओके बेटा ये आपने नाइसली राइट करना है और अच्छे से वर्क करना है नाइस नाइस वर्क करना है अपना बहुत सारा ख्याल रखें अल्लाह हाफिज़ बेटा